फतेहपुर उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। गंगा व यमुना के बीच में बसा होने के कारण पूर्व में इसे अंतरदस के नाम से जाना जाता था। फतेहपुर में स्थित कई स्थानों का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, जिसमें भिटौरा व असनी के घाट प्रमुख हैं। फतेहपुर जिला इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत आता है। इस जिले का मुख्यालय फतेहपुर शहर है। फतेहपुर शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 133 किलोमीटर व भारत की राजधानी दिल्ली से 586 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से फतेहपुर जिला कई पड़ोसी जिलों की सीमा से सटा हुआ है। इसके उत्तर में उन्नाव रायबरेली जिला, दक्षिण में बांदा हमीरपुर जिला, उत्तर पश्चिम में कानपुर नगर व दक्षिण पूर्व में प्रयागराज जिला स्थित है। लगभग 4152 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए फतेहपुर जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 26 लाख से ऊपर थी। फतेहपुर जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 634 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। फतेहपुर जिले में कुल 3 तहसीलें मौजूद हैं, सदर, बिंदकी, खागा। धार्मिक दृष्टिकोण से फतेहपुर जिले में लगभग 86.4% हिंदू, 13.32% मुसलमान व 0.28% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। फतेहपुर जिले की साक्षरता दर लगभग 58.6% है, जिससे पता चलता है कि फतेहपुर जिला पढ़ाई की ओर अग्रसर है। फतेहपुर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि व छोटे बड़े उद्योगों पर निर्भर है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस जिले को 11वीं शताब्दी के मध्य राजा भगवंत राय खींची के द्वारा बसाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र पाने के लिए यहीं पर आकर तपस्या की थी, जिससे इस बस्ती का नाम असफल हो गया था, जो बाद में असोथर हो गया। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय के लिए रुके थे। ठाकुर युवराज सिंह महाविद्यालय, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, निवेदिता सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से फतेहपुर जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, फतेहपुर जिला भारतीय रेल मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। यहाँ से इलाहाबाद मथुरा एक्सप्रेस, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, हावड़ा दिल्ली कालका मेल, महानंदा एक्सप्रेस आदि कई प्रमुख रेलगाड़ियाँ गुजरती हैं। सड़क मार्ग, फतेहपुर जिला सड़क मार्ग से भली भांति जुड़ा हुआ है। ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित फतेहपुर जिला लगभग सभी शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से नियमित तौर पर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी आदि शहरों के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। वायु मार्ग, यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा कानपुर के चकेरी में स्थित है, जो 78 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा लखनऊ के अमौसी में स्थित हवाई अड्डा यहाँ से 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतेहपुर जिले में घूमने के लिहाज से आकर्षक पर्यटक स्थल मौजूद नहीं है, फिर भी फतेहपुर जिले में कई धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पर्यटक स्थल मौजूद हैं। आइए जानते हैं वे कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना फतेहपुर शहर का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, बावनी इमली। यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना द्वारा 52 स्वतंत्रता सेनानियों को इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ये कहा जाता है कि ये इमली का पेड़ आज भी मौजूद है, इसी कारण इस पेड़ को बावनी इमली भी कहा जाता है। ओम घाट, यह घाट पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गंगा नदी का प्रवाह उत्तर दिशा की ओर है। यहाँ के भिटौरा तट पर महर्षि भृगु मुनि ने तपस्या की थी। असोथर, फतेहपुर जिले में स्थित यह शहर फतेहपुर शहर के दक्षिण में स्थित है। यह कई जैन मूर्तियों की उपस्थिति के लिए मशहूर है। यहाँ के महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह जमीन से उभरा हुआ है। धामना खुर्द, बिंदकी आदि यहाँ के प्रमुख दर्शनीय व पर्यटक स्थल हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।